पहला सवाल ये देखना है, कह रहा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट जो है बताना है, रेगुलेटिंग एक्ट बताना है ये कब आया था। कब आया था भाई? 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक ना। 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, अब यहां से जो है आपको समझना है तीन चार पांच सवाल क्या बन सकता। पहला तो ये पूछेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया 1773 में। दूसरा सवाल ये है इसमें कि रेगुलेटिंग एक्ट भारत में क्यों आया, तो नियंत्रण करने के लिए। क्या करने के लिए? नियंत्रण। यहां पर जो है क्या नियंत्रण करना था? एक तो यहां पर जो है लोग क्या कर रहे थे भाई, लोग यहां पर जो है आए थे जो ब्रिटेन से अंग्रेज, वो यहां घूस ले रहे थे, लोगों से उपहार रिश्वत ले रहे थे, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए आया था। बात क्लियर हो गया? इसके अलावा इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो पूछेगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में किस एक्ट के अंतर्गत हुआ, क्या बताना है? हाँ, कैबिनेट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। अगला है कि किस अधिनियम में यह कहा गया राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया। किस अधिनियम में राष्ट्रपति को, किस अधिनियम में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया था? तो यह 1935 भारत शासन अधिनियम, 1935 भारत शासन अधिनियम में हाँ राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया था। यह कब दिया गया था? तो 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 में ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया था। चलिए अगला बताना है कि जो बर्मा है वो भारत से कब अलग हुआ। हाँ, बर्मा जो है भारत से अलग कब हुआ? तो बर्मा भारत से अलग कब हुआ भाई? बर्मा हाँ भारत से अलग हुआ 1935। पूछेगा बर्मा भारत से अलग कब हुआ, तो 1935 में बर्मा भारत से अलग हो गया। अगला बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत हुई गई। हाँ, आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ये हुआ है 1 अप्रैल 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ये बात क्लियर हो गया भाई? चलिए अगला बताना है कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था कब शुरू किया गया था। हाँ, प्रांतों में जब पूछेगा तो प्रांतों में द्वैध शासन 1919, प्रांतों में द्वैध शासन कब प्रारंभ किया गया था 1919 में, प्रांतों में द्वैध शासन कब शुरू किया गया था 1919, और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन कब स्थापित किया गया था। तो जब पूछेगा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुआ था केंद्र में 1935, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था 1935 में। इतनी बात समझ में आई? प्रांतों में पूछेगा 1919 में और केंद्र में पूछेगा तो 1935 में। अब पूछेगा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित कब किया गया था, अखिल भारतीय महासंघ, तो 1935 भारत शासन अधिनियम, अखिल भारतीय महासंघ, अखिल भारतीय महासंघ अगर पूछेगा कब स्थापित किया गया, तो अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना 1935 भारत शासन अधिनियम में किया गया था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। बात क्लियर हो गया भाई? अखिल भारतीय संघ की स्थापना कब किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। अगर पूछे संघीय व्यवस्था कब किया गया था स्थापित, तो 1935 संघीय व्यवस्था ये कब स्थापित किया गया था, तो 1935। एक एक सवाल जो भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है या जो पूछा गया होगा सब करवा दे रहे हैं। तो संघीय व्यवस्था, यह सवाल घुमा के पूछ रहा था कि अखिल भारतीय महासंघ 1935 में, फिर कह रहा संघीय व्यवस्था कब स्थापित किया गया, तो 1935 में संघीय व्यवस्था की स्थापना किया गया। इतनी बात क्लियर हो गया भाई? अगला पूछेगा कि संघ में स्थापित जो है, संघ में स्थापित शक्ति, संघ में स्थापित शक्ति की व्यवस्था कब किया गया, तब भी क्या हो जाएगा भाई, संघ में स्थापित शक्ति की स्थापना तब भी 1935 भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ की स्थापना कब हुआ, तो 1935 में हुआ। ये बात समझ में आ गया भाई? चलिए
अब ये 1935 क्यों महत्वपूर्ण था, इसलिए क्योंकि भारत का जो संविधान है वो भारत का संविधान बनने का जो आधार है वो 1935 भारत शासन अधिनियम, क्योंकि सबसे ज्यादा स्रोत कहां से लिया गया, पूछेगा कि संविधान निर्माण में सर्वाधिक स्रोत कहां से लिया गया, क्या बताना है, भारत शासन अधिनियम 1935। हाँ थोड़ा इधर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, इधर थोड़ा सा बैठ जाएंगे, मतलब अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा इधर उधर करके बैठिए ऐसे, ठीक है ना, तो दिखेगा। इतनी बात समझ में आ गया भाई। चलिए अगला बताना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी, वो क्यों जो है इतना महत्वपूर्ण था, तो बताना क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि 1935 में एक भारतीय अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना हुई थी, क्योंकि संघीय व्यवस्था 1935 में स्थापित किया गया था, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, क्योंकि बर्मा भारत से अलग हो गया था, इसलिए जो है 1935 भारत शासन अधिनियम क्या था भाई, महत्वपूर्ण था। इतनी बात समझ में आ गया भाई। अब यहां से आपको याद रखना है, ये पूछेगा कि 1935 क्यों महत्वपूर्ण है, तो बताना है क्योंकि अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 में हुआ था, संघीय व्यवस्था 1935 में आया था, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन 1935 में आया था, इसलिए 1935 क्या था भाई, इसलिए 1935 क्या था, महत्वपूर्ण था। इतनी बात समझ में आ गया भाई। और यही जो है इसलिए और हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमारा जो संविधान बना है वो इसी के आधार पर बना है। सबसे ज्यादा लगभग हमारे संविधान में 75% हिस्सा कहां से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935। तो पूछेगा कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक स्रोत कहां से आया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में आया। इतनी बात समझ में आ गया। चलिए अगला बताना है, अगला प्रश्न ये बताना है कि मार्ले मिंटो सुधार ये, हाँ ये मार्ले मिंटो सुधार कब आया, तो 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा किया गया। मार्ले और मिंटो, मार्ले कौन थे, भारत सचिव, ये कौन थे भाई, भारत सचिव। मिंटो जो थे वो क्या थे, भारत के क्या थे भाई, वायसराय थे। तो इन्हीं मिंटो महोदय को भारत में क्या कहा जाता भाई, सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता। पूछेगा किस वायसराय को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता, क्या बताना है, हाँ लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता के क्या कहा जाता भाई, जनक कहा जाता। इतनी बातें समझ में आ गया भाई। अगला आपसे पूछेगा इल्बर्ट बिल विवाद क्या था। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में आया। इल्बर्ट बिल विवाद कब आया था भाई, 1883 में। इल्बर्ट बिल विवाद क्यों आया था, 1883 में क्यों हुआ था, इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में। हाँ इल्बर्ट बिल विवाद अगर आपसे पूछेगा तो इसका डेट याद रखना 1883। इस इल्बर्ट बिल विवाद जो इसमें जाना है क्या है, इसमें यूरोप के मतलब ब्रिटेन के जो जज हैं और भारत के जो जज हैं दोनों के बीच में समानता लाने की बात की गई थी, ठीक ना। क्योंकि इसके पहले यह कहा जा रहा था कि जो ब्रिटेन के जज हैं वो क्या हैं, वो भारत के जज से ज्यादा पावरफुल हैं और वहां पर जो है महत्वपूर्ण फैसले वो सुनाएंगे। लेकिन इल्बर्ट बिल विवाद में यह कहा गया कि इसमें जो है भारतीय जज और यूरोप के जज दोनों के बीच में क्या करना था भाई, समानता लाना था। इसके लिए जो है ये आया था इल्बर्ट बिल विवाद था। इसमें जो है विवाद हो गया था क्योंकि भारतीय जज और यूरोप के जजों के बीच में समानता की बात कर रहा था, इसलिए विवाद का कारण था। अब बताइए कैबिनेट मिशन कब आया भाई, कैबिनेट मिशन कब आया, तो 1946 में। हाँ कैबिनेट मिशन ये 1946 में आया, भारत के संविधान के निर्माण के लिए जो है कैबिनेट मिशन आया था। अब बताइए कैबिनेट मिशन में कुल कितने लोग आए थे, बताइए तीन लोग आए थे, कौन कौन थे तीन लोग, हाँ सर पैथिक लॉरेंस, और बताइए सर पैथिक लॉरेंस, फिर इसके बाद सर एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये चार लोग नहीं, तीन लोग आए थे, और इसके अलावा अगर कोई भी ऑप्शन रहेगा तो गलत हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गया भाई, इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो गलत। तो भारत के संविधान बनने का जो आधार था वो 1935 था, लेकिन भारत में संविधान का निर्माण किस मिशन के द्वारा हुआ है, तो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गया भाई।
इतनी बात क्लियर हो गया। अब कैबिनेट मिशन जो 1946 आया है, इसमें आपको समझना है कि कैबिनेट मिशन 1946 में निर्धारित सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389। कुल कितने सीटों पर निर्वाचन होना तब 389, इसमें भी 93 किसके लिए था, देशी रियासत के लिए 93 था, और 296 ब्रिटिश भारतीयों के लिए था। यह बात क्लियर हो गया। तो कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, इसमें निर्धारित सदस्यों की संख्या 389, 93 देशी रियासत, 296 किसके लिए था, ब्रिटिश भारतीयों के लिए था, और इसमें भी एक सीट जो था वो कितने 10 लाख की जनसंख्या पर। वैसे ये भी जान लीजिए, संविधान बनाने के लिए सबसे पहले जो कहा था वो स्वराज पार्टी ने कहा था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि संविधान निर्माण के लिए सर्वप्रथम पहल किसने किया था, तो स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान निर्माण के जो है संविधान निर्माण के लिए पहल किसके लिए किया गया था, सबसे पहले किसने किया था, स्वराज पार्टी के द्वारा जो है पहली बार पहल किया गया था। इतनी बात समझ में आ गया भाई। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि जो 389 सीट था, जिसमें से 93 देशी रियासत, 296 भारतीयों के लिए था, तो ये जो भारतीय थे इनका निर्वाचन कहां से होता, तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। ये लोग कहां से चुन के आए थे, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। पूछेगा कि कैबिनेट मिशन में निर्धारित सदस्यों में से भारतीय सदस्यों का चुनाव कहां से हुआ था, तो क्या बताना है, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा जो है ये जो है इनका निर्वाचन हुआ था। बात क्लियर हो गया। 10 लाख की जनसंख्या पर कितना सीट था भाई, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट था, और सबसे पहले संविधान निर्माण के बारे में किसने बात किया था, तो स्वराज पार्टी। सबसे पहले संविधान निर्माण के लिए स्वराज पार्टी ने पहल किया। बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, 1923 में, किसने, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। चलिए अब बताइए संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, क्या बताना भाई, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। हाँ, वही अस्थाई अध्यक्ष थे भाई, क्या थे भाई, वही अस्थाई अध्यक्ष थे। तो पहले बैठक की अध्यक्षता अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसने किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इतनी बात समझ में आया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब बताइए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई भाई, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946। कहां पर हुआ था भाई, दिल्ली में। कहां हुआ था, दिल्ली में। चलिए अगला बताना है, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे भाई, राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, जब निर्मात्री सभा पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस राज्य से थे भाई, बिहार से। कहां से थे भाई, बिहार से थे। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में पूछेगा तो क्या बताना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताना है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कब बने, तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया। अस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए अब बताना है अगला कि संविधान सभा में बताना है उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। कब किया था, 13 दिसंबर 1946। अब बताइए उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ था, हाँ, 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ था, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो गया था भाई, पास हो गया था। बात क्लियर हो गया। चलिए अगला बताना है कि भारतीय संविधान में झंडे को कब अपनाया गया, झंडे को, तो झंडा कब अपनाया गया भाई, 22 जुलाई 1947। झंडा कब अपनाया गया भाई, 22 जुलाई 1947 को
झंडा अपनाया गया। ये बात क्लियर हो गया भाई, झंडा अपनाया गया कब? तो हाँ, कब अपनाया गया भाई? तो 22 जुलाई 1947 को झंडा अपनाया गया था। इतनी बातें समझ में आ गया भाई। चलिए अगला ये बताना है, अगला बताना है कि झंडे का डिजाइन किसने बनाया था। तो झंडे का डिजाइन किसने बनाया भाई? पिंगली बकैया ने बनाया भाई। झंडे का डिजाइन किसने बनाया है? पिंगली बकैया ने बनाया है। झंडे में कुल कितने रंगों का प्रयोग हुआ है? तो कितने रंगों का हुआ है? 4। भारतीय संविधान में हम किसकी झलक को देखते हैं? तो भारतीय संविधान जो है इसमें प्रस्तावना के झलक को दिखाया जाता है, अर्थात जो हमारा संविधान है वो संविधान में हमें प्रस्तावना की झलक साफ साफ दिखाई देती है। बात क्लियर हो गया? तो वही जो प्रस्तावना है उसी को क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। प्रस्तावना को ही क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। बताइए भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। भारत के संविधान के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए थे भाई? 12। इसमें से 11 हुआ था अधिवेशन प्लस एक जो था वो 24 जनवरी 1950 को अंतिम हुआ था। टोटल कितने हो गए थे? कुल कितने हो गए थे भाई? तो कुल हाँ 12 अधिवेशन। पूछेगा संविधान में कुल कितने अधिवेशन थे तो क्या बताना भाई? 12। क्या बताना है? संविधान में कुल कितने अधिवेशन थे? क्या बताना है? 12 अधिवेशन थे। इतनी बात क्लियर हो गया भाई। तो 11 और प्लस एक, एक जो था वो क्या था? एक था, वो क्या था भाई? 24 जनवरी 1950 को वो अंतिम वाला था, वही था। इतनी बातें समझ में आया? कौन बताएगा कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? बताइए, बताइए जल्दी से। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। चलिए संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच सी मुखर्जी। उपाध्यक्ष पूछेगा तो एच सी मुखर्जी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष पूछेगा तो क्या बताना है भाई? हाँ, पहले उपाध्यक्ष पूछेगा तो एच सी मुखर्जी का नाम बताना भाई। एच सी मुखर्जी का नाम बताना है। इतनी बात समझ में आया? प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य का नाम क्या था? तो के एम मुंशी। पूछेगा प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी कौन थे? तो के एम मुंशी। इनका नाम याद रखना है, के एम मुंशी। ये एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे किसमें? प्रारूप समिति में। इतनी बात समझ में आया। अगला आपको बताना है कि राजस्थान की रियासत का कौन सा व्यक्ति जो संविधान सभा में था? तो वीटी कृष्णमाचारी। ठीक ना? तो वीटी कृष्णमाचारी। तो ये बात याद रखना है। और के मुंशी कौन है? ये प्रारूप में शामिल होने वाले एकमात्र कांग्रेसी हैं। क्या हैं? कांग्रेसी हैं। हाँ, प्रारूप में शामिल होने वाले पूछेगा एकमात्र कांग्रेसी कौन थे? तो के एम मुंशी। प्रारूप समिति की बात कर रहे हैं। बात किधर हो गया भाई? तो उसमें 7 लोग थे ना, टोटल 7। अंबेडकर जी को लेकर 7, अंबेडकर जी को छोड़कर 6। तो उसमें कौन सा व्यक्ति जो कांग्रेस से था? वो के एम मुंशी, वो कांग्रेस से थे। बाकी बहुत सारे पार्टियों के लोग उसमें थे। हाँ, यहां हमने बीटी कृष्णाचार्य राजस्थान रियासत से आए थे। कहां से आए थे? राजस्थान रियासत का कौन सा व्यक्ति जो संविधान सभा में नेतृत्व कर रहा था? बीटी कृष्णमाचारी। चलिए अगला बताना है, संविधान में संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था भाई? संघ संविधान समिति। जब संघ शब्द लगाएगा तो क्या बताना भाई? हाँ, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पूछेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपसे पूछेगा कि संविधान सभा में नियम समिति का अध्यक्ष कौन था? नियम पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे नियम समिति पूछे तो क्या बताना भाई? नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघ संविधान समिति पूछेगा तो क्या बताना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बताना है। एकदम याद कर लीजिएगा, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, और नियम समिति पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताना है। इतनी बात समझ में आया भाई? प्रारूप समिति का अध्यक्ष क्या बताना है?
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बताना है, प्रारूप समिति पूछेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बताना है। इतनी बातें समझ में आया भाई। अगर पूछेगा संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो सर बी एन राव, सर बी एन राव। संविधान सभा प्रारूप के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताना है। संविधान के संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव, कौन थे, बी एन राव। लिखते रहिए आप कॉपी पे जो है, रफ करते रहिए, उत्तर ही लिखते रहिए, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहिए, इससे चीजें आपके दिमाग में रिपीट होते रहेंगी। इतनी बात समझ में आए भाई। तो कॉपी कलम जो है हाथ में लेकर एकदम क्वेश्चन अगर सुन रहे हैं तो उसका आंसर आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। एक सवाल कई बार रिपीट होगा, एक सवाल क्या होगा, कई बार हम रिपीट करवा देंगे। चलिए प्रांतीय पूछेगा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, प्रांत शब्द लगाएगा, क्या बताना भाई। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतनी बात समझ में आया। और अगर ये पूछ ले कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामले समिति, तब भी क्या बताना भाई। हाँ, मौलिक अधिकार पूछेगा, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामले समिति, तब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बताना है। मौलिक अधिकार एवं आपसे पूछेगा कि अल्पसंख्यक मामले समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब भी आपको बताना है। अल्पसंख्यक मामले समिति के अध्यक्ष पूछेगा तब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में ही बताना। इतनी बात समझ में आया। तो चलिए, प्रारूप समिति में अंबेडकर जी को छोड़कर कितने थे, छह। अंबेडकर जी को लेकर कितने थे, सात। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947। हाँ, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इतनी बात समझ में आया भाई। तो प्रारूप समिति का गठन पूछेगा 29 अगस्त 1947। चलिए, तो इतना आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब जो है बात करेंगे कि संविधान सभा में शामिल कुल कितनी महिलाएं थी, 15। संविधान सभा में शामिल कुल महिलाओं की संख्या, शामिल महिलाओं की संख्या कितनी, तो 15। महिलाओं की संख्या अगर पूछेगा तो 15 महिलाएं उसमें शामिल थी। इतनी बात समझ में आ गया भाई। हाँ, 15 महिलाएं शामिल थी। चलिए, अगला पॉइंट आपको यह बताना है कि संविधान के निर्माण में कुल कितने पैसे खर्च किए गए थे। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, लगभग 64 लाख रुपए, बहुत बढ़िया। 63,96,729, लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। कितना, लगभग 64 लाख रुपए का खर्च जो है संविधान निर्माण में लगा हुआ था। इतनी बातें समझ में आया भाई। चलिए, अगला बताना है कि संविधान सभा में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था भाई। हाँ, झंडा समिति जेबी कृपलानी। लेकिन अगर तदर्थ झंडा समिति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ झंडा पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताना है, ठीक है ना। चलिए, अब अगला पॉइंट देखा जाए तो ये बताना है कि हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं। कितने भाग हैं भाई संविधान में, 22 भाग। कुल 22 भाग हैं। कितने आर्टिकल, 395 अनुच्छेद। कितने, हाँ, इसके अलावा बताना कितनी अनुसूची। हाँ, 12 अनुसूची। हाँ, 12 अनुसूची। अब यहां समझना है, देखिए पहले था 8, पहले कितना था, 8, एक प्रस्तावना। तो अब जो है अगर पूछे संविधान में कितने भाग, तो ऑप्शन में आपको अगर 25 भाग दिया है, 25 तो भी क्या भाई, सही। क्योंकि जो 25 भाग, मूल संविधान में 22 भाग है, लेकिन 25 का मतलब 4A ये सब बढ़ा है, जैसे 4A हो गया, 5 हो गया, 5A हो गया। तो ऐसे जो है आप देखेंगे कि जो उसमें जोड़ा गया है वह जो है आप देखेंगे ऐसे करके कितने भाग हो गए, 25।
अनुच्छेद पूछेगा कितने आर्टिकल हैं, तो हाँ लगभग 465 के आसपास है, 465। लेकिन अगर ऑप्शन में 395 तो यही बताना है। अनुसूची पूछेगा कितना है, तो 12 अनुसूची है भाई। कितनी अनुसूची है? 12 है। तो ये आपको बताना है। इतनी बात समझ में आया भाई? चलिए अगला बताना है कि अगर ये पूछे कि सबसे पहले प्रारूप समिति को किसने तैयार किया, सबसे पहले शब्द लगाएगा तो बी एन राव, लिख लीजिए भाई। सबसे पहले या सर्वप्रथम भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? सर्वप्रथम भारतीय संविधान का प्रारूप अगर सर्वप्रथम पूछेगा तो सर बी एन राव। सर्वप्रथम भारतीय संविधान का प्रारूप, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो क्या बताना है? सर बी एन राव। सर बी एन राव, तो इनका नाम बताना है, सर बी एन राव। सर्वप्रथम भारतीय संविधान का प्रारूप सर बी एन राव ने जो है तैयार किया था। सर्वप्रथम भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो सर बी एन राव ने तैयार किया था। सर्वप्रथम भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, सर वी एन राव ने तैयार किया था, सर वी एन राव। चलिए भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ भाई, कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। चलिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ये बनकर तैयार हुआ था भाई, तो पूछेगा कि संविधान अधिनियमित कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 अधिनियमित पूछे, चाहे पूछेगा कि हमारा संविधान अंगीकृत कब हुआ था, तब भी 26 नवंबर 1949। हमारा संविधान आत्मर्पित कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1900। जब तक लागू शब्द नहीं पूछेगा तब तक आपको नहीं बताना है। बहुत बढ़िया। चलिए अब बताइए कि भारत के संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया, बताइए 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? हाँ, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था लाहौर में रावी नदी के तट पर, लाहौर में रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसीलिए हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। बातें समझ में आ गया भाई? चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न आपको यह बताना है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? नहीं, 31 दिसंबर 1929 रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को हाँ क्या मनाया गया था, मतलब क्या अपनाया गया था? अपनाया गया था पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था, और मनाया कब गया? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान हमारा लागू हुआ। इतनी बात समझ में आया? चलिए भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया, तो संविधान सभा के द्वारा। पूछेगा भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया, तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा ही अपनाया गया था। अब कौन बताएगा कि राष्ट्रगान कब अपनाया गया है, बताइए भाई राष्ट्रगान। हाँ, राष्ट्रगान कौन बताएगा भाई? चलिए राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगीत बताइए। हाँ, तो 24 जनवरी 1950 को। चलिए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब थी, तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक भी थी। चलिए राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो बात क्लियर हो गया भाई। चलिए अब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था, कौन बताएगा? नहीं, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 हाँ 14 अप्रैल 1891 में हुआ था।
6 दिसंबर 1956 को मृत्यु दिल्ली में, 6 दिसंबर 1956 लिख लीजिए भाई, जन्म और मृत्यु याद रखना है। 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ है, 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में मृत्यु। 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ, 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और मृत्यु कब हुआ भाई? 6 दिसंबर, बहुत बढ़िया भाई, 6 दिसंबर 1956 को मृत्यु दिल्ली में हो गया। तो ये सारे पॉइंट को याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में याद रखना है। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891, मध्य प्रदेश। बात क्लियर हो गया भाई? महू, हाँ। और जो है महार जाति में हुआ और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो गया, इसलिए याद रखना भाई। चलिए अब बताना है कि भारतीय संविधान में राजकीय जो चिन्ह है वो सारनाथ स्तंभ से लिया गया, कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। पूछेगा भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। कहां से लिया गया है? सारनाथ, सारनाथ से लिया गया। बहुत बढ़िया, लिख लीजिए भाई। हाँ, इतनी बातें समझ में आ गया भाई। चलिए, तो 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह जो है कहां से लिया गया, तो क्या बताना है? हाँ, अशोक स्तंभ। बहुत बढ़िया, अशोक स्तंभ से लिया गया। चलिए अगला बताना है कि किसने कहा था कि 15 वर्षों के लिए वयस्क मताधिकार को हटा दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए? मौलाना अबुल कलाम आजाद। हाँ, किसने कहा था कि वयस्क मताधिकार को 15 साल के लिए क्या करना चाहिए? स्थगित कर देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए। लेकिन संविधान सभा के लोगों ने इस पर विचार नहीं किया था। तो अबुल कलाम आजाद जी का नाम याद रखिएगा, इन्होंने कहा था कि वयस्क मताधिकार को कितने साल के लिए? 15 वर्षों के लिए क्या कर दिया जाए? स्थगित कर दिया जाए। चलिए, किसने ये कहा था, संविधान जब हमारा देश आजाद हो गया और संविधान सभा जो है का गठन हो गया, तो किसने कहा था कि अब कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए, और स्वयं उसके हाँ मेंबर भी नहीं थे, महात्मा गांधी। हाँ, तो याद रखिएगा कि किसने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को देश की आजादी के बाद क्या करना चाहिए? भंग कर देना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि अब कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, अब इसकी जरूरत नहीं है। और स्वयं जब देश आजाद हुआ था तो महात्मा गांधी स्वयं उस समय भारत, मतलब यहां दिल्ली में नहीं थे बल्कि कलकत्ता में थे। कहां थे वो? कलकत्ता में। जब देश आजाद हुआ तो क्या महात्मा गांधी कांग्रेस के मेंबर थे? नहीं थे, उन्होंने छोड़ दिया था और कहा था कि कांग्रेस को क्या किया जाए? भंग कर दिया जाए। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। बात क्लियर हो गया भाई? चलिए, अब जो है अगला पॉइंट आपको यह बताना है, अगला पॉइंट यह बताना है कि आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? आधुनिक मनु कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? आधुनिक मनु कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गया भाई? चलिए, अब बताना है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया, बताइए? कहां से लिया गया? अमेरिका से। हाँ, अमेरिका आपसे नहीं तो यूएसए लिखा रहेगा। हाँ, तो दिमाग ना लगाइएगा, अमेरिका की बात कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, भारतीय संविधान में बताना है कि यहां जो है हमारे देश में सर्वोच्च स्तर पे कौन है? चलिए ऑप्शन से, राष्ट्रपति, सुन लीजिए, सर्वोच्च स्तर पे राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री है कि संविधान है कि सुप्रीम कोर्ट है? हाँ, तो सर्वोच्च स्तर पे कौन है भाई? सर्वोच्च स्तर पे संविधान है। हाँ, पूछे अगर कि सर्वोच्च स्तर पे क्या है तो क्या बताना है भाई? हाँ, सर्वोच्च स्तर पर क्या है यहाँ? संविधान। क्योंकि राष्ट्रपति को भी अगर पामर मिला है तो किसने दिया है? हाँ, संविधान ने दिया। इसलिए बताना है कि संविधान में सर्वोच्च स्तर पे कौन है? तो हाँ, तो संविधान यहाँ भारत में सबसे ऊंचा ऊंचा क्या है? तो संविधान। चलिए, अगला पॉइंट आप ये बताना है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? ऑस्टिन ने। किसने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? तो नाम याद रखिएगा, ऑस्टिन महोदय ने कहा है कि संविधान सभा जो है कांग्रेस थी और कांग्रेस ही क्या था? भारत था। बात किधर हो गया भाई? संविधान सभा कांग्रेस थी
और कांग्रेस ही क्या था, भारत था। चलिए अब जो है बात करना है, अब ये बात करना है, ये हो गया भाई आस्टिन। चलिए अगला बात ये करना कि जो संविधान सभा में महिलाएं थी वो कौन कौन महिलाएं थी, जो 15 महिलाएं थी, विजय लक्ष्मी पंडित, क्या नाम था, विजय लक्ष्मी पंडित, हाँ ये थी। इसके बाद राजकुमारी अमृता कौर, हाँ राजकुमारी अमृता कौर, फिर सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। नहीं अगर आप शॉर्टकट में लिखना चाहें लिख लें, क्योंकि सवाल कठिन करेगा तो ये पूछ लेगा। हाँ तो जो 15 महिलाएं थी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, हाँ विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बैनर्जी, पूर्णिमा बैनर्जी नाम था, पूर्णिमा बैनर्जी, लीला राय, लीला राय, बाकी पीडीएफ हम भेज देंगे, लीला राय लिख लीजिएगा, हो गया भाई। फिर बताना है एक थी दुर्गाबाई, दुर्गाबाई लिख लीजिएगा, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, दुर्गाबाई के बाद लिखना हंसा मेहता, हंसा मेहता बात थी, कमला चौधरी, कमला चौधरी, मालती चौधरी, मालती चौधरी, रेणुका राय, रेणुका राय, बेगम एजाज रसूल, ये भी थी। आप पूछेगा निम्नलिखित में से कौन महिला शामिल नहीं थी, ठीक है ना। एक दक्षयानी नाम था, दक्षयानी, दक्षयानी, ठीक है ना, दक्षयानी, वो दक्षिण भारत की दक्षयानी वेलायुधम, तो दक्षयानी के नाम से याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक नाम था एनी मस्करानी, एनी मस्करानी एक नाम था, एनी मस्करानी, ठीक है ना। और एक नाम था अम्मी स्वामीनाथन, अम्मी स्वामीनाथन नाम था, अम्मी ने अम्मू, अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, तो नाम याद रखना है, हाँ अम्मू स्वामीनाथन, तो इनका नाम याद रखना। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन इसमें से संविधान सभा में शामिल महिला नहीं थी, बात क्लियर हो गया भाई। तो ऐसे सवाल पूछा जा सकता है, बाकी पीडीएफ इसका भेज देंगे, तो एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, सवाल कहीं से भी बन सकता है। अगर पेपर टफ करेगा तो क्या पूछ लेगा, यही पूछ लेगा, जैसे आप जानते हैं कि एक मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल, तो पूछेगा निम्नलिखित में से संविधान सभा में शामिल कौन सी महिलाओं का जो है एक समूह है या कौन सा नहीं है, ऐसे करके पूछा जा सकता है। इतनी बातें समझ में आया भाई, तो पीडीएफ इसका भेजेंगे, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक, इसको रिपीट करके देखिएगा। चलिए हाँ कुछ याद रखना, सरोजिनी नायडू, अमृता, राजकुमारी अमृता प्रीतम कौर, इनका नाम याद रखना है। इसके अलावा वो बेगम एजाज रसूल का नाम याद रखना है, नहीं नहीं इसमें नहीं, कंफ्यूज ना हुई है, ठीक ना, लीला राय, हंसा मेहता, ये सब याद रखना है, ठीक। चलिए एनी मस्करानी, मतलब कुछ महत्वपूर्ण नामें आप रख लीजिएगा, उसी में से देगा कि कौन है कौन नहीं, ठीक। चलिए अब जो है बात किया जाए कि भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व कहां से लिया गया भाई, हाँ बहुत बढ़िया, नीति निदेशक तत्व, हाँ नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया, तो क्या बताना है, आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड। और अगर आयरलैंड ऑप्शन में नहीं है तो आयरिश रहेगा, आयरिश के संविधान से लिया गया नीति निदेशक तत्व जो है, आयरलैंड या आयरिश के संविधान से लिया गया है। इतनी बातें समझ में आ गया भाई। चलिए अब जो है ये बताना है कि जो नीति निदेशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से, इस नीति निदेशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, भाग, भाग चार, हाँ नीति निदेशक तत्व किसमें लिखा हुआ है, भाग चार। अब बताइए, हाँ ठीक है, अगला बताना है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहां से लिया गया, बताइए, हाँ समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अब यही जो समवर्ती है, अगर पूछ लिया कि भारतीय संविधान में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ सूची कहां से लिया गया, तब फंस जाएंगे। तो उभयनिष्ठ सूची अगर पूछ लिया तब भी ऑस्ट्रेलिया से, वही समवर्ती को उभयनिष्ठ कह रहा है, वही क्या कह रहा है, वो समवर्ती को उभयनिष्ठ कह रहा है, मतलब घुमा दे रहा है, ठीक है ना, इसलिए आपको समझना है। अब भारतीय संविधान में मूल अधिकार आप जानते हैं कहां से लिया गया भाई, अमेरिका से, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से, यूएसए। चलिए भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया, न्यायिक,
पुनरावलोकन कहां से लिया गया, तो ये भी अमेरिका से लिया गया, ये भी यूएसए से लिया गया, ठीक है। मतलब न्यायिक पुनरावलोकन पूछेगा तो कहां से, अमेरिका से। चलिए, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया। हाँ, संघात्मक व्यवस्था पूछेगा, संघीय व्यवस्था पूछेगा कहां से लिया गया, तो क्या बताना है, कनाडा से लिया गया। संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया। कहां से लिया गया है, कनाडा से, संघीय व्यवस्था। चलिए, अब आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद कहां से लिया गया, तो राज्यपाल का पद भी कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। राज्यपाल का पद भी लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। चलिए, अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उल्लेख, हाँ एकल नागरिकता कहां से लिया गया भाई, तो ब्रिटेन से। एकल नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन से। अमेरिका में कैसी नागरिकता है, हाँ तो वहां दोहरी नागरिकता है, वहां पर दोहरी नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता। चलिए, अब ये बताइए कि नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, हाँ भाग दो में। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो भाग दो में। नागरिकता का उल्लेख भाग दो में है, अनुच्छेद 5 से लेकर कहां तक भाई, 5 से लेकर 11 तक। इतनी बात समझ में आया भाई, तो अब यहां से यह बताना है। चलिए, बताइएगा कि अब जो संविधान की सातवीं अनुसूची है, संविधान की जो सातवीं अनुसूची है, इसमें कितने विषय हैं, 3। कौन कौन है भाई, एक संघ सूची है, एक है राज्य सूची है, और एक क्या है, समवर्ती सूची। एक है समवर्ती सूची। इतनी बात समझ में आया भाई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए, अगला बताना है आपको कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया भाई, हाँ अमेरिका से। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति का पद हो या उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, तो यह भी लिया गया है अमेरिका से। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये दोनों का पद लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। चलिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है, हाँ महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लिया गया, वो भी अमेरिका से। वो भी कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। चलिए, केंद्र और राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, ये कहां से लिया गया, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, हाँ केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, ये अगर पूछेगा कनाडा से। शक्तियों का विभाजन या संबंध पूछेगा तो क्या बताना है, कनाडा से, ठीक ना। तो केंद्र और राज्य संबंध बताना है कहां से लिया गया है, तो कनाडा से। शक्तियों का, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का संबंध लिख लीजिए भाई, या केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध पूछेगा, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध पूछेगा कहां से लिया गया भाई, कनाडा से लिया गया। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया, कनाडा से लिया गया। संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया, संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया। चलिए, अब आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब किस देश से लिया गया, सब अमेरिका से। सब कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लिया गया, ये भी अमेरिका से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। अगर पूछेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया, जापान, हाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछेगा तो यह भी कहां से लिया गया भाई, ये कहां से लिया गया, जापान से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है, जापान से लिया गया है। इतनी बात समझ में आ गया भाई, जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से। अब बताइए, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति कहां से लिया गया, जर्मनी से। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति पूछेगा तो आपातकालीन शक्तियां जो है ये लिया गया है जर्मनी से। आपातकालीन शक्तियां कहां से लिया गया, जर्मनी से लिया गया, ठीक है ना। चलिए, अगला बताइएगा कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से, या सोवियत संघ, या सोवियत संघ, या यूएसएसआर, जो भी आपसे पूछे बताइएगा।
मूल कर्तव्य कहां से लिया गया, मूल कर्तव्य रूस से, यूएसएसआर से या सोवियत संघ से। बात क्लियर हो गया। चलिए आरंभ में हमारे संविधान में कितने आर्टिकल थे, शुरुआत में 395 कितने थे, 395। हाँ शुरुआत में 395 थे, अभी भी 395 हैं, लेकिन उसमें कुछ जोड़ा गया है इसलिए बढ़कर 465 के आसपास हो गया है, लेकिन मूल जो है वो कितना है 395, मूल कितना है 395। चलिए अब बताइए संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस भाग में है, भाग एक, भाग एक में क्या भाई, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र ये भाग एक है, ये भाग एक है। नागरिकता क्या है भाई, नागरिकता क्या भाई दो है, मूल अधिकार क्या है भाई, मूल अधिकार है तीन, राज्य के नीति निदेशक तत्व किसमें है चार, संघ किसमें है पांच, राज्य केवल किसमें है छह, केवल राज्य किसमें है छह में है। इतनी बातें समझ में आया। चलिए अब बताइए कि जो मूल कर्तव्य है वो किस भाग में है, मूल कर्तव्य बहुत बढ़िया, मूल कर्तव्य किसमें लिखा हुआ है भाग चार का में, मूल कर्तव्य भाग चार का में है। अब ये बताइएगा, हाँ अगला पॉइंट आपको बताना है कि भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया भाई, गलत ना बताइए, बयालीसवां संविधान संशोधन, हाँ बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह किस समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य भाग चार का में जोड़ा गया, किसमें जोड़ा गया भाग चार का में जोड़ा गया। इतनी बातें समझ में आया भाई। चलिए मूल कर्तव्य की संख्या पहले कितनी थी, पहले कितनी थी 10 थी भाई, पहले 10 मूल कर्तव्य थे, वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, हाँ हाँ 11 मूल कर्तव्य हैं भाई, और 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार है ना भाई, शिक्षा वाला अधिकार, तो 11वां मूल कर्तव्य है। इतनी बात समझ में आया भाई। चलिए अब ये बताइए कि किस अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, संविधान के किस अनुसूची में, पहली अनुसूची में क्या भाई, पहली अनुसूची बताइएगा, हाँ 28, हाँ तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का। दूसरे में बताइए जल्दी से, दूसरे में क्या है भाई, वेतन भत्ता, तीसरे में शपथ है, चौथा बताइए, चौथा नहीं राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये राज्यसभा के लिए, विभिन्न राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा भाई, तो राज्यसभा के लिए सीट है भाई, राज्यसभा के लिए सीटों का बंटवारा। चलिए पांचवा बताइएगा, पांचवे में अनुसूचित जाति और जनजातियों का प्रशासन, इसमें एससी और एसटी के प्रशासन के बारे में बताया गया। चलिए अब बताइएगा छठवें बताइएगा भाई, असम मेघालय, बहुत बढ़िया असम मेघालय, त्रिपुरा मिजोरम, वाह भाई कमाल हो गया। सातवें बताइएगा भाई, हाँ इसी में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा भाई, चलिए इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, कितनी अनुसूची है, तो तीन है, कौन कौन, संघ और राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन बताएगा कि संघ सूची में पहले कितने विषय थे, पहले 100 नहीं थे, पहले थे 97, अब हैं 100। राज्य सूची में पहले 61 थे, अब 66 हैं, इसमें पहले 47 थे, अब कितने हैं भाई, 52 हैं, वाह भाई कमाल हो गया। चलिए तो सबसे पहले अगर संविधान में किसी नए राज्य की स्थापना करना है तो किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, पहले हम करना पड़ेगा, ठीक है पहले हम करना पड़ेगा। चलिए आठवीं अनुसूची में किस, 22 भाषा, आठवीं अनुसूची में कितनी भाषा है भाई, हाँ इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है,
इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। नौवीं अनुसूची बताइएगा, नौवीं अनुसूची में क्या है भाई? और कब जोड़ा गया? कब? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा नौवीं अनुसूची जोड़ा गया भाई, नौवीं अनुसूची जोड़ा गया। चलिए, तो भूमि सुधार है, नौवीं अनुसूची में क्या है भाई? भूमि सुधार, ये प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। दसवीं बताइएगा, हाँ दल बदल है, कब जोड़ा गया? हाँ ये जोड़ा गया, हाँ ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ग्यारहवीं अनुसूची बताइएगा, पंचायती राज कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? 1992 और लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से। चलिए, बारहवीं अनुसूची बताइएगा, हाँ 74वां 1992, पंचायती राज नहीं इसमें है, इसमें नगर पालिका, नगर पालिका। पंचायती राज में कितने विषय? 29 और शहरी स्वशासन वाले में कितने विषय? हाँ बहुत बढ़िया भाई, कमाल हो गया। चलिए, रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? रेलवे पुलिस किसका भाई? राज्य सूची का है। जनसंख्या किसका विषय है भाई? जनसंख्या, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, अब बताइएगा, जनसंख्या और परिवार नियोजन किसका विषय है? समवर्ती का विषय है, दोनों की जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया भाई, एकदम कमाल हो गया। चलिए, अगला बताना है कि शिक्षा किसका विषय है भाई? शिक्षा समवर्ती का विषय भाई, शिक्षा किसका विषय है? हाँ भाई, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, कमाल हो गया। चलिए, अगला आपको बताना है कृषि किसका विषय है? कृषि बताइएगा, कृषि राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। श्मशान घाट राज्य सूची का विषय है, इसका भाई राज्य सूची का विषय। पहले पहले जो शिक्षा था, पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन 52वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को बनाया गया समवर्ती सूची। तो पहले यह राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसको समवर्ती में शामिल किया गया 52वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसको भी आपको याद रखना भाई, समझ में आ गया। चलिए, अगला अगला पॉइंट क्लियर हो गया ना? हाँ, अब देखिए, सुनिए, अब आपसे पूछ रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। अब बताइएगा, आपसे पहले नेटवर्क बताइए, जो टेली मार्केटिंग कंपनी है जियो एयरटेल, ये किसके भी अंतर्गत आएगा? हाँ केंद्र, संघ के अंतर्गत है, केंद्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए, अब बताइए मनोरंजन विभाग किसमें आ सकता है? दिमाग लगाइएगा, फिल्म जो बनता वो टैक्स किसको दे रहा है? फिल्म जो बन रहा किसको दे रहा भाई? मनोरंजन वाला, समझिए भाई, यहां मनोरंजन जो आएगा ये आएगा किसमें? ये समवर्ती में आएगा, ये दोनों में मनोरंजन किसमें आएगा? दोनों में। चलिए, जनगणना किसका विषय है? जनगणना कराना है, जनगणना कराना किसकी जिम्मेदारी है भाई? हाँ, जनगणना जो है ये कराना किसका विषय है? ये केंद्र का, किसका विषय होना चाहिए? केंद्र का। हाँ, रेलवे किसका है भाई? रेलवे कौन चलाएगा? ट्रेन कौन चला रहा है? सरकार कौन? सरकार केंद्र सरकार, माने ये केंद्र का विषय है। अब बताइए, पुलिस में भर्ती करना है, कौन करेगा भाई? हाँ राज्य करेगी। तो रेलवे पुलिस किसका विषय है भाई? रेलवे पुलिस राज्य का विषय है, और रेलवे किसका विषय है? केंद्र। रेलवे केंद्र का विषय है और रेलवे पुलिस राज्य का विषय है। बात क्लियर हो गया भाई? चलिए, अगला बताना है अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष तो केंद्र का, गोला बारूद बताइएगा केंद्र का। एक महत्वपूर्ण सवाल याद रखिए, गैस, गैस राज्य का विषय है। गैस किसका विषय है भाई? गैस राज्य सूची का विषय है। बात क्लियर हो गया भाई? तो बीमा हो, बैंकिंग, ये सब केंद्र का है। बीमा पूछेगा तो किसका विषय हो जाएगा? केंद्र का। बैंकिंग किसका भाई? केंद्र का। लेकिन गैस पूछेगा तो क्या बताना है? राज्य बताना है। गैस पूछेगा तो राज्य बताना है, ये बात समझ में आया भाई? गैस पूछेगा तो राज्य बताना है, हाँ गैस पूछेगा तो राज्य बताना है, ठीक। बीमा पूछेगा तो केंद्र बताना है,
रेलवे पूछेगा तो क्या बताना है, केंद्र बताना है, ठीक ना। जनगणना पूछेगा तो क्या बताना है, केंद्र बताना है। और शमशान घाट पूछेगा तो क्या बताना है, राज्य बताना है। कृषि पूछेगा तो क्या बताना है, राज्य बताना है। कृषि पूछेगा तो राज्य बताना है। रेलवे पुलिस किसको बताना भाई, राज्य बताना है। बात क्लियर हो गया। चलिए तो अगला पॉइंट आपको समझना। अब वन बताइए, वन किसका विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। हाँ, ये समवर्ती सूची का विषय भाई, वन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। वन किसका भाई, समवर्ती सूची का विषय है। पंचायती राज किसका विषय है, नहीं भाई, पंचायती राज का चुनाव कौन करवाएगा, तो राज, राज प्रधानी वाला चुनाव कौन करवाएगा भाई, राज्य सूची का विषय है। नगर पालिका किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। नगर पालिका राज्य सूची का विषय है, पंचायती राज भी राज्य सूची का विषय है। वन किसका है, समवर्ती सूची है। अब बताइएगा रेलवे पुलिस किसका हो जाएगा भाई, राज्य का। तो जितना सवाल जो है, मतलब जो महत्वपूर्ण सवाल है उसको हम रट लीजिए एक एक पॉइंट, ठीक है ना, गलत नहीं होना चाहिए। पंचायती राज प्रधानी चुनाव करवाता है कौन, राज्य करवाता है, तो राज्य सूची का विषय। नगर पालिका का चुनाव कौन करवाएगा, राज्य सूची, मतलब राज्य करवाए तो राज्य सूची का विषय। पुलिस की भर्ती करेगा राज्य, तो पुलिस प्रशासन राज्य सूची का विषय हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना। अब पशुपालन किसका विषय, वाह भाई, पशुपालन भी राज्य सूची का विषय है। पशुपालन जो है ये किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है, ये भी राज्य सूची का विषय है, पशुपालन राज्य सूची का विषय है। चलिए अब ये बताना है, जैसे आपको करना क्या है कि चीजों को सोचना है कि केंद्र सरकार ये करेगा कि राज्य सरकार करेगा, दोनों सोचेंगे तो आपको क्लियर। अब बताइए अगर विदेश से कोई समझौता करना, विदेश मंत्रालय केंद्र का, हाँ। अब चलिए सेना किसका विषय है, हाँ, सेना केंद्र का विषय। सेना पूछेगा तो क्या है, ये केंद्र का विषय है। सेना माने संघ सूची का विषय। इतनी बातें समझ में आ गया भाई। चलिए वन, अब जितना जो महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जा सकता है वो हमने बता दिया। वन, समवर्ती, पंचायती राज ये भी पूछा हुआ है, राज्य सूची। पशुपालन कई बार पूछा है, राज्य सूची है। शमशान घाट पूछेगा, राज्य सूची है। सेना पूछेगा, केंद्र है। इसके अलावा आपसे जनसंख्या पूछेगा, समवर्ती सूची हो गया। वन पूछेगा, समवर्ती सूची हो गया। शिक्षा पूछेगा, समवर्ती हो गया। पहले शिक्षा किसमें था, राज्य सूची में, लेकिन उसको कब लाया गया समवर्ती में, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लाया गया। बात समझ में आया इतना। चलिए तो अब जो है बात किया जाए कि जो आठवीं अनुसूची में भाषा है, आठवीं अनुसूची में कितनी भाषा है, आठवीं अनुसूची में 22 भाषा, इधर लिख दे रहा, आठवीं अनुसूची में 22 भाषा है। अब इसमें मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में थी 14 भाषाएं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन इस वर्तमान में 22 है, तो इसमें क्या हुआ भाई, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कितनी भाषाएं बढ़ी, कितनी भाषाएं, 8। अब पहला जो 14 थी, 15वां भाषा जो है, हाँ, 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया सिंधी भाषा, तो पूछेगा सिंधी कब जोड़ा गया, 21वां संविधान संशोधन 1967 में। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन, हाँ, हाँ ये हुआ 1992 में, इसमें, हाँ, इसमें नेपाली, बहुत बढ़िया भाई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और कोंकणी ये जोड़ा गया। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में जान क्या जोड़ा गया भाई, बोडो, बोडो डोंगरी, डोंगरी, इसके बाद मैथिली, संथाली, ठीक है ना, हो गया भाई, बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली, ये जो है मिला जुला के आपको याद रखना है। 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन रख लीजिएगा। ये पूछेगा मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, पूछेगा सिंधी कब जोड़ा गया, 21वां संविधान संशोधन 1967 में। फिर पूछेगा कि यहां पर जो है नेपाली, मणिपुरी और कुंकड़ी को कब जोड़ा गया, 71वां संविधान संशोधन। और फिर आपसे पूछेगा कि बोडो डोंगरी और मैथिली संथाली
कब जोड़ा गया, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में। चलिए इसको याद रखिएगा, नमक से, नमक नेपाली मणिपुरी और कोंकणी नमक, इसको याद रखिएगा। बड़ी मौसी, बड़ी मौसी ठीक है ना, चाहे बोडोमास से, चाहे बोडोमास से याद रखिएगा, बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली, बोडोमास से याद रखिए, चाहे बड़ी मौसी से याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आ गया भाई? हाँ, नमक और बोडोमास रख लीजिए, और ये डेट भी सबको याद रखना है, ठीक, गलत नहीं होना चाहिए भाई। इतनी बात समझ में आ गया?